हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर दो व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लोग काम करते हैं, तमाम ऐसे सेंटर हैं जिसमें काम करते हैं लोग, जब भी कभी आप किसी भी महिला पुरुष के साथ जॉब कर रहे होते हैं, प्रेम संबंध है, दोस्ती यारी है, बोलचाल है, आदान प्रदान हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसी भावना से कि भाई ठीक है, मदद के रूप में ये है, पैसे का लेन देन कभी कभी इतना बढ़ जाता है या प्रेम ऐसा बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में कभी कभी पैसे का दोहन करने के लिए लोग 376 की FIR करने की धमकी दे देते हैं, कभी कभी 376 की FIR कर देते हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हों, सरकारी लोग हों, सरकारी कर्मचारी हों, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले प्राइवेट लोग हों, किसी भी संस्था में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोग जब फंसते हैं तो उनको पहला तो डर ये होता है मान मर्यादा नौकरी छूटने का, दूसरा डर होता है कि समाज में सम्मान का, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, एक आपराधिक मुकदमा भी हो जाएगा, तीसरा ये कि भैया जेल भी जाना होगा। तो ध्यान रखें, दो स्थितियां आती हैं FIR से पहले की, FIR के बाद की। अगर आपके खिलाफ FIR हुई नहीं है, सिर्फ धमकी दी जा रही है, आपके आपको डर है कि FIR हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप बिना डरे, बिना किसी भी तरह से डरे, निडर होके एक एप्लीकेशन दें। अब एप्लीकेशन देने का भी दो जरिया है, दो तरीका है, एक तो उस बंदी के खिलाफ दें, यानी कि नॉमिनेट करके नामजदी से दें। अब नामजदी से देने का ये हो सकता है कि भाई वो डर, ये वो गुस्सा जाए, खिसिया जाए, क्रोध में आ जाए, तो आपके खिलाफ हो सकता है कि FIR ना करने वाला होगा तो भी कर देगा। तो अगर आपको ऐसी डर है, हालांकि अगर आप पहले एप्लीकेशन दिए रहेंगे तो आप जेल से बच जाएंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए, उसे जानकारी भी ना हो, और मेरा काम हो जाए उसको पता भी ना चले, तो ऐसे में अज्ञात में एक एप्लीकेशन दें, एक आवेदन अज्ञात में दें कि हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी साजिश रची जा रही, ऐसा ऐसा मुकदमा करना जा रहा है, साजिश करके FIR करने की धमकी दी जा रही, तमाम ऐसे डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। हाँ, एक सवाल ये, अगर अपराधी हैं, आपने अपराध किया, तो मैं या कोई भी वकील, कोई भी जज आपको नहीं बचा सकता है, लेकिन अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपने अपराध नहीं किया है, आपको बेवजह फंसाया जा रहा है, आपको बेवजह फंसा दिया गया है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी पीड़ित नहीं व्यक्ति है या पीड़िता नहीं है कि जो आपको सजा दिला सके, जो आपको जेल भेज सके। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो मैं बचाऊंगा या मेरे जैसा मेरा कोई भाई अधिवक्ता बंधु बचाएगा। तो सवाल इसी बात का है कि अगर FIR नहीं हुई है और FIR हो गया है, अब FIR अगर हो गया है तो इसके बारे में समझ लें, अगर FIR हो गया है तो भी एक आवेदन दें, आप सारे सबूतों को लगाते हुए एक FIR के बाद भी आवेदन दें कि ये मुकदमा झूठा है, इसके ये प्रमाण हैं, इसका ये सबूत है, इसमें डिले FIR क्यों कराई गई, घटना का दिन तारीख ये जो दिखाया गया, मैं यहाँ था, उपस्थित यहाँ था, इसका ये सबूत है, और किस कारण से लिखाई गई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखाएं, पैसा दिखाएं, घूमने टहलने फिरने, तमाम चीजों का सबूत जो आपके पास है वो लगाते हुए एक एप्लीकेशन जरूर दें। उस एप्लीकेशन के बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं स्टे लेने के लिए, उस एप्लीकेशन के बाद आप एंटीसिपेटिंग बेल लेने जा सकते हैं, एंटीसिपेटिंग भी मिल सकती है, 100% मिल जाएगी अगर आपके ऊपर झूठी FIR कराई गई है तो। कहने का मतलब ये कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप को दिखाएं कि अगर हमारा इनका इतना दिन से संबंध था, ऐसी ऐसी बात थी, तो इन्होंने डिले FIR क्यों कराई, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो घटना की तारीख दिन समय है, मैं यहां था, यहां मौजूद था, इसी तमाम, देखिए जब FIR पढ़ी जाएगी, जब आपका वकील आपसे कंसल्टेशन करेगा, डिस्कशन करेगा,
तो 100% कुछ ना कुछ सबूत भी निकल के आएंगे, कुछ ना कुछ चीजें भी निकल के आएंगे जो आपके फेवर में होंगी। कोई बात पूछना है, कोई सवाल करना है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।